बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैर आफियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आए हुए हैं एक सनाए दस्ती की नुमाइश पे आप लोगों के लिए, और वो नुमाइश लगी हुई है ये फरंगी हुनरी में, यानी कि मुजतम फरंगी हुनरी। ये गवर्नमेंट ऑफ ईरान का एक डिपार्टमेंट है जो हुनरमंदों को प्रमोट करता है, और उसमें हफ्ता फरंग हुनर कुंभ मनाया जा रहा है, कुंभ कल्चर एंड आर्ट वीक। ये देखिए, तो उस सिलसिले में एक नुमाइश लगी है यहाँ पर, और उसको हम शूट करने आए हैं आप लोगों के लिए ऑल अबाउट ईरान की तरफ से। आगे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हुण मेहरबानी कर दियो, बड़ी हो गई है, हुण कर दियो इन सब्सक्राइब। और यहाँ पर छोटी सी जगह है, बहुत बड़ी वो नहीं है। आपको मैं इसमें कैटेगरीज दिखाऊं कि इसमें हैंडीक्राफ्ट है, इसमें विजुअल आर्ट है, कैलीग्राफी है, फोटोग्राफी है, एनिमेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट है, कुरानिक एक्टिविटीज़ हैं, इस्लामिक म्यूज़िक है, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स हैं, पोइट्री एंड लिटरेचर है। ये मुख्तलिफ वक्त में होंगे, सारी चीज़ें एक वक्त में ज़ाहिर नहीं हो सकती। ये देखें, इन्होंने लिखा है ये 23 से 29 रबीउल सानी, ठीक है, इसका जब ये इन्होंने आगाज़ किया था, और ये 18 से 24 नवंबर के दौरान ये सब कुछ यहाँ पर हुआ था। उसमें से कुछ चीज़ें जो है इन्होंने सेलेक्ट कर ली, और इस वक्त जो है यहाँ पर हम आए हैं सनाए दस्ती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको शूट करने के लिए। तो चलें अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अंदर इस छोटी सी जगह पर इन लोगों ने कितना आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो रखा हुआ है आपके लिए। तो आइए हमारे साथ, हम नुमाइशगाह के अंदर आ गए। असल में ये नुमाइशगाह जो है ये पब्लिक के लिए नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, पब्लिक के लिए नहीं से मुराद ये है कि पब्लिक इसे देखने आ सकती है, यहाँ से ख़रीद नहीं सकती कुछ भी। ये बेसिकली एक तरह का हुनरमंदों का आपस में एक तरह का मुकाबला है, उसमें जो भी हुनरमंदों के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी वो आगे जाएंगी। ये कुंभ की हद तक एक नुमाइशगाह है, और इस नुमाइशगाह को प्रमोट करने का मकसद ये है, या यहाँ पे लोगों को यानी कि इसको एडवर्टाइज़ करने का मकसद ये है कि हुनरमंदों में एक कंपटीशन की कैफियत पैदा हो और आपस में मुसाबकत हो, और उसकी वजह से कुंभ के जो हुनरमंदान हैं आगाजान ने मेरे लिए ख़ास तौर पर इस डिस्प्ले की लाइट्स ऑन कर दी हैं। उनकी मोहब्बत है कि वो चाहते हैं कि अच्छे से वीडियो शूट हो जाए। इस हवाले से ये लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले और बड़े प्यार करने वाले लोग होते हैं। अगर ये काम करने का मार्जिन दें तो फिर ये साथ लग के आपके काम करवाते हैं कि आप ये कर रहे हैं, हम आपको उसमें हेल्प आउट करते हैं। ये तमाम जो है ये इनकी ट्रॉफीज़ हैं जो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ कंपटिशन्स में प्रेजेंट की गई, ठीक है, मॉडल्स हैं ट्रॉफीज़ के। तो बाहर अंदर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कुंभ की हद तक जो सनाए दस्ती है, छोटी सी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। इनके नुमाइश का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है वो शायद यहाँ पे आके ख़राब हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुंभ में जितने भी लोग सनाए दस्ती से मुंसलिक थे, ये उन लोगों के दरमियान में से जो बेस्ट चंद लोग थे उनके नमूने जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पर अभी आगे पज़ीरिश बैठे हुए थे, उनसे हमने परमिशन ली वीडियो शूट करने की, और वो अंदर मौजूद हैं, और हम भी आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। आइए अंदर चलते हैं, नुमाइशगाह के अंदर आ गए हैं, और ये ड्रेस लगा हुआ है, छोटा सा हॉल है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, और ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि ये उस किस्म की नुमाइश नहीं है जिस किस्म का कॉन्सेप्ट आपका होगा। ये बेसिकली नुमाइश है हुनरमंदों के आपस में कंपटीशन की, और उस कंपटीशन में से जो लोग सिलेक्ट हुए उनके जो हैं वो फनपारे यहाँ पे रखे गए। ये देखें, ये इनका टैग लगा हुआ है जिन्होंने ये बनाया। ये देखें, ये तमाम सनाए दस्ती है, हुनरे दस्ती,
हुनरमंदा ने दस्तकार है। ये देखिए, ये वैसे बड़ा मारूफ आर्ट है ईरान का, ये वाला टाइल्स वाला। ये स्टोन का बना हुआ है, ये सब स्टोन का बना हुआ है। ये वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है। ये चार्म है, लेदर का बना हुआ बैग है। ये भी लेदर का बना हुआ है, ये भी लेदर का बना हुआ है। साथ में ये पैरेट देखिए, ये देखिए एफिल टावर का नमूना, ये बोल सब हैंडमेड चीजें। ये पिक्चर वाकई कर्बला से मुतासिर होकर बनाई गई है, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को कर्बला के तीर लगने का मंजर जो है वो इस आर्ट में शो किया गया है। ये वाकई जवाद हैं, ये उन्होंने, ये देखने वाली चीज़ है, ये देखिए। और ये सिंगल पीस है, ये एक पीस है, देखिए तो आँख जो है इसमें वो हाईलाइट की गई है। और इस पिक्चर का जो टाइटल है, ये देखिए, इन्होंने कहा है नाम असर इंतज़ार। ये भी लकड़ी की बनी हुई है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही सफाई के साथ बनाई गई चीज़ें हैं। ये कुछ सिरामिक से बनाए हुए कप्स हैं, कुछ शेल्फवेयर्स हैं, कुछ टेबलवेयर्स हैं। ये हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहे के नाम का एक फ्रेम है। ये फिर एक वुडन पीस है, ये देखिए डाइज में डालकर मुख्तलिफ चीज़ों को मोल्ड किया गया है
और ये सब का सब जो है ये हैंड वर्क, ये हाथ के बने हुए जूते हैं, यानी कि कपड़ों से बने हुए हैं। ये मटेरियल जो है ये कपड़ा है, लेकिन उसको हाथ से सिया गया है। इसी तरह ये बैग है, बड़ी सफाई से। ये देखकर लगता नहीं है कि ये हैंडमेड चीज़ें हैं, लगता यही है कि ये मशीन मेड है, हालांकि ये हैंडमेड है। ज़ाहिर है सनाए दस्ती का मतलब ये होता है कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैंडमेड। ये ब्रास पे किया हुआ मेटल है, ब्रास है पता नहीं क्या है, लेकिन मेटल है, मेटल पे किया हुआ काम है। ये मखसूस किरानी आर्ट, किरानी कल्चर। ये भी मेटल पे बना हुआ है, इसी तरह ये भी मेटल पे बना हुआ है, ये वुड वर्क है। ये देखें जी, ये क्या पीस ऑफ आर्ट है, कितना सेंसिटिव काम है और कितना खूबसूरत। मखसूस ईरानी आर्ट है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और थोड़ी कीमती हैं। अंगुश्तरे नुकरा ही है, ये हाथ से बनी हुई अंगूठियाँ। ये देखिए एक और आर्ट का जो नमूना देखिए, फिर एक और वर्क है। क्या डिफाइन किया है खूबसूरती से, वाह वाह वाह। स्टोन्स वगैरह हैं यहाँ के, मकामी सब लोग जो हैं ये कुंभ से बिलोंग करते हैं। Thank you.
खवातीन के लेदर के बैग हैं, ये सब लेदर है, मेल एंड फीमेल। मखसूस ईरानी कढ़ाई का काम, ये इससे उभरा हुआ है, इसको पेस्ट नहीं हुआ हुआ। और ये एक एक लफ्ज़ जो है ये बनाया गया है और इसको फिर इस पर चस्प किया गया है। ये मखसूस ईरानी टाइल्स जो के कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज होती है। ये वो शीशे का काम जो ईरान में आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। सब लकड़ी का आपको दरमियान में एक चीज मैं दिखाना भूल गया, ये देखें ये कुरान मजीद का एक मॉडल रखा है इन्होंने, इसके ऊपर अकीक लगे हुए हैं, अकीक लगे हुए हैं सब। कुछ और लकड़ी की चीजें आपको दिखाते हैं, ये चूंकि पब्लिकली नुमाइश नहीं है, बल्कि ये नुमाइश मैंने आपसे पहले अर्ज की कि जो कुंभ के हुनरमंदान हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन के बाद ये चंद लोग जिनका आर्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था उनको डिस्प्ले की इजाज़त दी है। अब ये यहाँ से प्रमोट होंगे, यहाँ से इनकी कैटेगरी बनेगी, कैटेगोरिकली जो इसमें टॉप थ्री होंगे वो फिर और ऊपर के लेवल पे जाएंगे और फिर और ऊपर के लेवल पे जाएंगे और फिर नेशनल लेवल पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट की नुमाइश होगी इनकी या होती होगी वहाँ पर इनको प्रेजेंट किया जाएगा विद अदर कॉम्पिटिटर्स। और ये इनका एक एनुअल नहीं बाय आफ्टर टू ईयर्स, यस 2 साल के बाद एक इस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज से इनको जो है वो वाली टीम बाहर इनकी सनाए दस्ती के लोगों की आ जाती है जो ये पूरे कुंभ से 3-4 निकल आए, फिर आगे गए, फिर वहाँ से 3-4 करते करते नेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं वो इनके सामने आ जाते हैं। ये आगा जान यहाँ के मुंतजिम हैं, पजीरिश हैं, इन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम एक फ़िल्म बना लें। आगा जान बेबाक्षत हम शुमा बातरे दूसरे मान ये फिल्म बिगड़ें इसमें शुमा आगा रज़ई यहाँ के पजीरिश हैं, इनसे मैंने इजाज़त ली कि मैं फ़िल्म बना लूँ। इन्होंने कहा वाले ये हाँ ये वजारत मीरास फरंगी के ज़ेर इंतज़ाम आगा जान ये कह रहे हैं
من ترجمه اردو به ممنون آقا جان دست شما درد نکنه.